देहरादून में पुष्पांजलि फ्लैट्स के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले राज्यपाल बालिया को एसटीएफ की टीम ने नैनीताल से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल बलिया पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। इसी मामले से जुड़े दीपक मित्तल और उसकी पत्नी राखी मित्तल पर अभी भी फरार चल रही हैं। हालांकि दीपक मित्तल के पिता को हरिद्वार से गिरफ्तार किया जा चुका है। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि पुष्पांजलि बिल्डर्स के नाम पर 41 अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं, जिनमें 2016 से लगभग 205 करोड़ के लेन देन के साक्ष्य एसटीएफ की टीम को मिले हैं। मामले में एसटीएफ की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, यूके ट्रिपल एससी से संबंधित 5 अभियोगों की इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ के द्वारा की जा रही है और ये सारी इन्वेस्टिगेशंस एडवांस स्टेजेस में हैं। इसमें से जो गैंगस्टर एक्ट था उसमें चार्जशीट ऑलरेडी लास्ट मंथ हमने फाइल कर दी है और बाकी जो केसेस की इन्वेस्टिगेशन है वो एडवांस स्टेज में है और होपफुली बहुत जल्दी इनको कम्प्लीट करके इसमें फाइनल चार्जशीट लगा दी जाएगी। वो लाइक करने का या छोटा मोटा टास्क दिया जाता है और उसके एवज में उनको 100, 150, 500 रुपये दे दिए जाते हैं और एक बार जब विश्वास पैदा हो जाता है लोगों का तो उनको आगे फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है या किसी अन्य इन्वेस्टमेंट के नाम पर अच्छा रिटर्न देने की बात कही जाती है। और जब जो व्यक्ति है वो अपना पैसा लगा देता है उसके बाद में वो जो साइट्स हैं, जो चैनल्स हैं टेलीग्राम के, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो सारे डिलीट कर दिए जाते हैं और सारे डिसअपियर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो नए मामले सामने आ रहे हैं तो सभी लोगों से अपील रहेगी कि सतर्क रहें। कहीं भी अगर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, आपके पास किसी अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है, कोई वीडियो कॉल आती है, तो उसको अटेंड ना करें। कोई आपसे पैसे की डिमांड करता है, कोई आपका परिचित बनकर, तो उस चीज़ को वेरीफाई करें, उसके बाद ही आगे पैसे ट्रांसफ़र करें। कोई भी अनजान लिंक आता है आपके फ़ोन में तो उसको बिल्कुल भी क्लिक ना